देश की मोदी सरकार प्रदूषण को कम करने की दिशा में अभियान चला रही है। सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। इसके बाद भी आगरा महानगर में ज्यादातर सीएनजी पंप शोपीस बने हैं। इन्हीं समस्याओं के निराकरण को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने इस समस्या के समाधान की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। देश की मोदी सरकार प्रदूषण को कम करने की दिशा में अभियान चला रही है। सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले वाहनों पर जोर दिया जा रहा है, जिसके बाद भी आगरा महानगर में ज्यादातर सीएनजी पंप शोपीस बने हैं। इन्हीं समस्याओं के निराकरण को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने इस समस्या के समाधान की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। हजारों की संख्या में उपभोक्ताओं को सीएनजी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें घंटों लाइन में लगने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में सीएनजी नहीं मिल रही। इसी दिशा में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की बैठक सोमवार को सुल्तानगंज की पुलिया स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें उपभोक्ताओं की समस्या पर चर्चा की गई, उनके समाधान के लिए रूपरेखा बनाई गई। पंचायत के जिलाध्यक्ष मुरारी लाल गोयल पेंट ने कहा कि सीएनजी से चलने वाले वाहन चालकों को पीड़ा हो रही है। उन्हें रात भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, इसके बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में सीएनजी प्राप्त नहीं हो रही। जिम्मेदार विभाग उदासीन है। उपभोक्ताओं की समस्या को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संघर्ष करेगा। ग्राहक पंचायत उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए साथ खड़ी है। महानगर में सीएनजी पंपों की उपलब्धता ना के बराबर है, जबकि 1 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं, 15,000 से ज्यादा ऑटो चालक इस तकलीफ को झेल रहे हैं। निर्णय लिया गया है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इस समस्या से केंद्र सरकार को अवगत कराएगी। इसलिए एक पत्र केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री को भेजा गया है। इसके अलावा एक ज्ञापन जिलाधिकारी को ग्राहक पंचायत देगी। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की एक आज आवश्यक बैठक जिला कार्यालय पर आहूत हुई, जिसमें सीएनजी को लेकर भारी संकट का सामना कर रहे उपभोक्ता, जो कि रात रात भर लाइन में खड़े होकर और उनको सीएनजी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही, जबकि उनके लिए सीएनजी अगर नहीं मिलती है तो उनका परिवार का पालन पोषण करना, उनके परिवार चलाना उनके लिए बड़ा कष्टदायक है। और इस शिकायतों को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने इसको संज्ञान में लिया है और इस आज की बैठक में ये तय किया गया कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी को एक पत्र लिखकर, साथ ही आगरा के माननीय डीएम जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देकर उनको अवगत कराएगी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। जबकि आगरा शहर में सीएनजी के लगभग 1 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता हैं और 15,000 से ज़्यादा टेम्पो और वाहन हैं, और ऐसे इतनी संख्या को देखते हुए और आगरा इतना बड़ा शहर है जिसमें इस शहर में सीएनजी की भारी किल्लत है। बैठक में जिलाध्यक्ष मुरारी लाल गोयल, संगठन मंत्री प्रदीप लूथरा, सत्येंद्र पाठक, हरिओम गोयल, अशोक अग्रवाल, ऋषभ अग्रवाल, अशोक गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे।